हेलो एवरीवन, साईं कॉलेज भिलाई के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी ने कुछ समय पहले ही एक और नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि जो हमारी सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं, जो 18 जनवरी 2022 से होने वाली थी, जिसे पोस्टपोन कर दिया गया था, ये परीक्षाएँ अब ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में की जाएंगी। तो जिस चीज़ के लिए सभी स्टूडेंट्स को डाउट था कि परीक्षाएं कैसे होंगी, यूनिवर्सिटी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो परीक्षाएं हैं सेमेस्टर की, जो 18 जनवरी से होने वाली थी, जिसे 20 जनवरी से ऑनलाइन मोड से संचालित किया जाएगा। आप यहां पर नोटिफिकेशन में साफ साफ देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ने जो जारी किया है, साथ साथ इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने उन कक्षाओं की लिस्ट भी जारी की है, सेमेस्टर कक्षाओं की, जिनके प्रश्न पत्र निम्नलिखित डेट पर वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन पेपर विद्यार्थी निम्नलिखित डेट्स पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं कि PGDCA, DCA, MCOM प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के प्रश्न पत्र 20 जनवरी को वेबसाइट पर, दुर्ग यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड किए जाएंगे, और एग्ज़ाम को लिखने के बाद 24 जनवरी 2022 को आंसर शीट स्टूडेंट्स अपने महाविद्यालय में जमा करेंगे। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि MCOM तृतीय सेमेस्टर, PG डिप्लोमा इन योगा, ये सभी जो कोर्सेज दिख रहे हैं, इनके क्वेश्चन पेपर 20 जनवरी को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। इनके आंसर लिख करके स्टूडेंट्स 24 जनवरी को अपने संबंधित महाविद्यालय पर जमा करेंगे। इसी प्रकार MA पाठ्यक्रम, जो प्रथम तृतीय सेमेस्टर के समस्त परीक्षार्थी हैं, उनके लिए प्रश्न पत्र 21 जनवरी को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तथा 25 जनवरी 2022 को उन्हें अपने महाविद्यालय में जमा करना होगा। इसी प्रकार MSW, BPED, BBA प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन पेपर 22 जनवरी को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और 27 जनवरी को उन्हें जमा करना होगा। इसी प्रकार BEd, MEd प्रथम, तृतीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र 23 जनवरी को अपलोड किए जाएंगे और 28 जनवरी को उन्हें लिखकर अपने महाविद्यालय में जमा करना होगा। इसी प्रकार से हम आगे भी देख सकते हैं कि MSc पाठ्यक्रम के जो क्वेश्चन पेपर हैं, MSc प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन पेपर 24 जनवरी को वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे तथा 19 जनवरी को उन्हें संबंधित महाविद्यालय में उन्हें जमा करना होगा। LLB प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए 25 जनवरी को क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और 31 जनवरी 2022 को उनको अपने संबंधित महाविद्यालय में अपना आंसर शीट जमा करना होगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने कुछ नोट्स भी जारी किए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सेमेस्टर कक्षाओं के परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र, जो विद्यार्थी हैं, अपना प्रवेश पत्र 15 जनवरी से डाउनलोड कर पाएंगे। यानी कि उनकी दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या उनके पोर्टल पर 15 जनवरी से आपके एडमिट कार्ड जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे और आप सभी उनको डाउनलोड कर पाएंगे। विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट का URL भी यहाँ दिया हुआ है, इस URL को आप ध्यान से देख सकते हैं और इस URL पर ही क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे। और इसका टाइमिंग भी विश्वविद्यालय ने यहाँ पर जारी किया है, रोज़ सुबह अपनी तिथि पर सुबह 11 बजे जो पेपर है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि उत्तर पुस्तिकाएं किस प्रकार से या क्या किस स्वरूप में होंगी। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने आपको कुछ नोटिस जारी किया हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप चाहे तो अपने महाविद्यालय से उत्तर पुस्तिकाएं कलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप A4 साइज के जो पेज हैं उनको कवर पेज के साथ उत्तर पुस्तिका के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट जो है इसमें यूनिवर्सिटी ने काफ़ी जोर देते हुए कहा है कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका जमा करने की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखना है।
यूनिवर्सिटी इस बार काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेंगी। दी गई तिथि के बाद जमा की गई उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डेट आंसर शीट जमा करने की दी गई है उस डेट पर आप जरूर से अपनी आंसर शीट जो है अपने संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाएं। साथ ही अगर कोई स्टूडेंट महाविद्यालय से उनको कब उत्तर पुस्तिकाएं मिलेंगी इसकी जानकारी वो अपने महाविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं कि उनके महाविद्यालय उन्हें आंसर शीट ब्लैंक आंसर शीट कब और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साईं कॉलेज के स्टूडेंट्स को उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ये जानकारी दे दी गई है कि वो किस डेट पर कौन सी क्लास की आंसर शीट लेने के लिए आ सकते हैं। अगर इस प्रकार की जानकारी आप लगातार सुनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन्स पे ज़रूर क्लिक करिए। थैंक यू।